नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन इज फोर्स एफ वन एंड एफ टू एक्ट ऑन अ पॉइंट मास इन टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन रिजल्टेंट फोर्स ऑन द पॉइंट मास विल बी तो दो फोर्सेज हैं एफ वन एफ टू एक पॉइंट पे दोनों एक साथ अप्लाई हो रहे हैं म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हमें उन दोनों का रिजल्टेंट बताना है बड़ा ही सिंपल सवाल है सो आपके दो वेक्टर्स हैं हैंट से एक वेक्टर इस डायरेक्शन में एक वेक्टर आपका इस डायरेक्शन में एफ़ टू दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री है हमें इनका रिजल्टेंट बताना है तो आपका रिजल्टेंट जो आएगा एफ़ वैक्टर्स उसको कह लेते हैं दैट विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एफ वन स्क्वायर प्लस एफ टू स्क्वायर प्लस टाइस एफ वन एफ़ टू कॉस ऑफ नाइन्टी डिग्री बिकॉज दोनों के बीच में एंगल नाइन्टी डिग्री है सो कॉस नाइन्टी अपने को पता है कि वैल्यू उसकी ज़ीरो होती है तो फाइनल आंसर आ गया अपना जो आपका फाइनल रिजल्ट है एफ़ दैट इज़ इक्वल टू F1 square plus F2 square. So, this will be my final answer. Uh, option number C is the correct choice.